आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, हमारे बीच में अपने सामर्थ्य को लेने वाले परमेश्वर, हमारी अगुवाई करने वाले ईश्वर, सांस है तू, आवास है तू, नींद है मेरे अनुवास है तू ईशु, ईशु आपको महिमा देते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। चेंदू रंग जो तुझ में ही बने, गीत के ये सुर तुझ में ही लगे, चेंदू रंग जो तुझ में ही बने, गीत के ये सुर तुझ में ही लगे, आत्मा के द्वारा आपके सम्मुख आ पाए, अपने पवित्र आत्मा की उपस्थिति को आपको दिया। कैसे मैं गाऊं बिन तेरे मसीह, तू न हो तो कुछ शब्द ही नहीं, कैसे मैं गाऊं बिन तेरे मसीह, तू न हो तो कुछ शब्द ही नहीं, उमंग है तू, तरंग है तू, जो गीत को भरे वो रंग है तू, ईशु ईशु हमारे बीच में अपने कामों को प्रकट किया, धन्यवाद। मेरी गीत में बसा, अंदाज़ है तू, मेरी गीत
इतनी खुशी बड़ा सा है तू यीशु 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 से जय मसीह की। और जितने मेरे साथ जुड़े हैं आप सबों का स्वागत है आज के आराधना में, आज संडे के इस चर्च में, ऑनलाइन चर्च में। आप सबों को प्रभु यीशु इस गीत के द्वारा अपनी आशीष को दें, अपनी शांति को दें, और जो पहली दफा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रभु उनके जीवन में भी अपने अनुग्रह को दें। और जैसा हम सब जानते हैं ये समय हम एक छोटी प्रार्थना के साथ आगे बढ़ेंगे, और हमारे साथ जो नए हैं मैं उन्हें बता दूं, ये समय है प्रार्थना के साथ हम परमेश्वर के वचनों की ओर बढ़ेंगे, और परमेश्वर के दास सुधांशु हमारे साथ हैं जो आपकी अगुवाई करेंगे, परमेश्वर के जीवित वचनों को आप तक शेयर करेंगे, बाइबल के वचनों को आप तक शेयर करेंगे। और उससे पहले हम कुछ गवाहियों को भी सुनेंगे, और हमने कुछ गवाहियों का प्रिंट आउट निकाला है, और वे ही गवाहियां जो यीशु मसीह ने हमारे बीच में इस आराधना में लोगों के जुड़ने के द्वारा उनके जीवन में काम किए हैं, और लोगों ने अपने अनुभव को, अपने जीवन के सारी बातों को उन्होंने हमारे इस आराधना में बैक सेशंस में टाइप किया है, और हमने कुछ गवाहियों को ही आप तक रखने की कोशिश की है। और अगर आप और भी प्रभु के कामों को सुनना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे बीच में किस तरह से लोगों के जीवन को आशीषित किया है, लोगों के परिस्थिति को बदल दिया है, और सबसे पहले उन्होंने अपनी शांति उन्हें दिया है। कई एक थे जो डिप्रेशन में थे, कई एक थे जो अपने जीवन में निराश हो गए थे, और ऐसे भी थे जो पूरी रीति से टूट चुके थे, पर जब उन्होंने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम को जाना, इस आराधना में जुड़ने के द्वारा कई एक ने पहली दफा यीशु मसीह के नाम को सुना, उनके सामर्थ को जाना, और जब वे इस आराधना में रेगुलर हुए यीशु मसीह ने उनके जीवन को आशीषित किया है। आज वो बहुत खुश हैं, अपने जीवन में स्थिर हो गए हैं, अपने परिवार में स्थिर हो गए हैं। ये काम प्रभु यीशु मसीह ने हमारे बीच में किए हैं, और जिनका वर्णन करना असंभव है, सारी बातों को हम नहीं बता सकते। आप इस आराधना में जुड़िए और खुद ब खुद आप देखेंगे किस तरह से इस युग में भी प्रभु यीशु मसीह अपने सामर्थ को अपने लोगों के बीच में प्रकट कर रहे हैं। और बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर हैं और जीवित ही काम करते हैं, और यदि आप विश्वास करेंगे कि वो परमेश्वर आपकी भी सुधि लेंगे जिनका नाम प्रभु यीशु मसीह है, यदि आप उन्हें अपने हृदय में पुकारेंगे वो परमेश्वर आपकी सुधि लेंगे। प्रभु यीशु मसीह आज आपकी सुधि लेंगे, आपको भी दुखों से निकालेंगे। तो अंत तक आराधना में बने रहे, क्योंकि अंत में फिर आपके लिए चंगाई की प्रार्थना भी होगी, और प्रभु यीशु मसीह आज के दिन भी आपके जीवन को आशीषित करेंगे। तो ये समय है अपने आंखों को हम बंद करेंगे, ये समय है हम एक प्रार्थना के साथ आज के आराधना को आगे बढ़ाएंगे। और आप जहां कहीं से भी जुड़े हैं अपने स्थान में स्थिर हो जाएं। यीशु मसीह आपके प्रार्थनाओं को, आपके हृदय को देखने वाले परमेश्वर हैं, और बिल्कुल स्थिर हो जाएं, बातचीत नहीं करेंगे। बच्चों के साथ बैठे हैं आप उन्हें भी शांत करते हैं, और ये समय है हम प्रार्थना के साथ आज के सेशन को आगे बढ़ाएंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, इस घड़ी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके पवित्र सामर्थी नाम का। यीशु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, अपने शांति से आपने हमें भरा, और लोग प्रभु आपके सम्मुख बड़े विश्वास को लेकर आते हैं,
प्रभु यीशु मसीह नासरी, अपने पवित्र बेशकीमती लहू से हम हर एक को जितने इस आराधना में जुड़ रहे हैं, हर एक को अपने लहू से धो दीजिए, शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, हर पापों को, गुनाहों को जो हमने जाने अनजाने में आपके क्रूस के प्रति किया है, प्रभु से भी आप क्षमा कीजिए। और मांगते हैं प्रभु यीशु, अपनी उपस्थिति को हमारे बीच में आप प्रकट कीजिए। प्रभु यीशु मसीह नासरी, जहां आप हैं वहां छुटकारा है, जहां आप हैं वहां शांति है, जहां आप हैं वहां भरपूरी है। मेरे मालिक यीशु, इस घड़ी आपके लोग आपके सम्मुख आते हैं, हर एक को जो प्रभु आप पर धीरज धरते हैं, यीशु आप उनकी सुधि लीजिए। और यीशु, जो पहली दफा भी इस आराधना में जुड़ रहे हैं, उन्हें विश्वास के वरदान से भरिए। अविश्वास की बातें यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के ऐसी बातें जो आपके लोगों को आपके सम्मुख आने से रोकती है, यीशु नाम से वो हर एक बात दूर होने पाए, हर एक डिस्टर्बेंस दूर होने पाए, हर एक तरह की भटकाने वाली बातें यीशु नाम से दूर होने पाए। प्रभु यीशु मसीह, जितने चाह रहे हैं इस आराधना में जुड़ना, आप उनकी सहायता कीजिए। प्रभु यीशु मसीह, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आप उनके लिए मार्ग बनाइए, ताकि समय से आपके आराधना में वे शामिल होने पाए। क्योंकि हम जानते हैं प्रभु, शैतान नहीं चाहता कि लोग इस आराधना में जुड़े और आशीषित हों। प्रभु यीशु मसीह, मांगते हैं प्रभु, हर एक पर जो इस घड़ी आपके सम्मुख आए हैं, अपने पवित्र लहू का छिड़काव कीजिए, अपने पवित्र लहू की सुरक्षा दीजिए। और मांगते हैं प्रभु, जो भी दुख, तकलीफ और रोग, समस्या आपके सम्मुख लेकर आते हैं, हर एक को प्रभु आप छू लीजिए, छुटकारा दीजिए, बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा कीजिए। जैसा आपने बीते दिनों अपने लोगों की सुधि लिया, प्रभु यीशु मसीह, आज के आराधना में भी अपने लोगों की सुधि लीजिए। प्रभु, आपका वचन कहता है, जब हम निर्बल होते हैं, आपकी सामर्थ हम में सिद्ध होती है। हम निर्बल मनुष्य हैं प्रभु, इस घड़ी प्रत्येक को जो विश्वास के साथ आपके सम्मुख आए हैं, आप छू लीजिए, आशीषित कीजिए, बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा कीजिए। आपके दासुदांशु को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, जो भी वचन वो बांटते हैं, वो वचन प्रभु हमारे जीवन में निर्माण कार्य करने पाए। जहां तक प्रभु आपका वचन पहुंचता है, हर एक बंधन टूटने पाए, शैतान की युक्तियां विफल होने पाए, रोग चंगे होने पाए, हर एक दुर्बलताएं दूर होने पाए। जहां तक प्रभु ये आराधना पहुंचती है, यीशु, उन हर एक घरों में उद्धार आने पाए, उन हर एक घरों में छुटकारा लोग प्राप्त करने पाए। महान परमेश्वर, जो भी घरों में ये आराधना चलाई जाती है, उस घर के लोग आशीषित होने पाए। महान परमेश्वर, आपके पवित्र आत्मा को आपने उंडेल दिया, हमारी अगुवाई किया, पूरी आराधना को आपके कंट्रोल में हम सौंपते हैं, और हर व्यर्थ बातों से हमारी रक्षा कीजिए। मेरे महान परमेश्वर, फिर से हम धन्यवाद करते हैं आपके सुंदर उपाय के लिए, कि आपने प्रभु अपने लोगों के लिए एक उपाय किया, नियुक्त समय से प्रभु लोग आपके वचनों को सुने, आपकी आशीष को प्राप्त करें। सारी महिमा आपके नाम को देते इस प्रार्थना को यीशु नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमेन। फिर से मेरी ओर से सबों को जय मसीह की। और जितने मेरे साथ जुड़े हैं, अंत तक आप जरूर बने रहें, समय से जुड़े। ये आराधना हर संडे और ट्यूसडे शाम के 7 बजे से शुरू हो जाती है, समय से आप जुड़ जाएं और प्रभु के आशीष को प्राप्त करें। तो आगे के सेशन को परमेश्वर के दास सुधांशु के हाथों में सौंपती हूं। आप सबों को बहुत ऐप की आशीष मिले। आप सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। यीशु मसीह आप सभी के जीवन में अपने अनुग्रह के काम को पूरा करे, और आज के दिन इस सभा के माध्यम से यीशु मसीह का अनुग्रह आपके जीवन में अद्भुत रीति से होने पाए। भाई, हम लोग जल्दी से गवाहियों में जाएंगे और देखेंगे प्रभु यीशु मसीह ने फिर से हमारे बीच में कितने अनोखे काम किए हैं, और जिनकी गवाहियां हम देंगे, और गवाहियां दे के हम यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं। और जो लोग सभा शेयर नहीं किए हैं, आप लोग जरूर से शेयर कीजिए, क्योंकि आपका ये एक शेयर, आप किसी को जब शेयर करते हैं सभा को, आप किसी के जीवन को बचाते हैं, प्रभु के परिचय को देते हैं, और यीशु मसीह उनके जीवन में काम करते हैं। तो जरूर से शेयर करें। दूसरी बात है, जो गवाहियां आप लोग के जीवन में प्रभु यीशु मसीह होने देते हैं, उनको जरूर से लिखिए। बाहर की गवाहियां नहीं, जो आप यहाँ पे हमारी सभा में जुड़ते हैं, सभा देखते देखते जो आपके जीवन में काम होते हैं, आप जरूर से लिखिए, ताकि यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे
और यीशु मसीह का अनुग्रह आपके जीवन में होने पाए। भाई हम लोग जल्दी से गवाहियों में जाएंगे और जिनका नाम लिया जाता है, अगर आप इस सभा में जुड़े हुए हैं तो जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, कुछ भी आप जरूर से लिखिए। और ये पहली गवाही जो है ये बहन शांता अमन लकड़ा करके बहन है, शांता अमन लकड़ा, अगर सभा में जुड़ी हैं शांता अमन लकड़ा तो जय मसीह की आप प्रेज द लॉर्ड लिखिए। किसी और आईडी से अगर आप देख रही हैं शांता अमन लकड़ा तो जय मसीह की लिखिए और अपना नाम भी लिखिए। और ये लिखती हैं, जय मसीह की, मेरा नाम शांता अमन लकड़ा है और मैं जमशेदपुर में टाटा में जॉब करती हूँ। और ये लिख रही है, मैं 5 मंथ की प्रेग्नेंट हूँ और 5 मंथ हो गए इनके, प्रेग्नेंट है, माँ बनने वाली हैं। और ये लिख रही हैं शांता अमन लकड़ा, जय मसीह की, देख सकते हैं आप, उन्होंने लिखा, अपने आईडी से लिखा है, उन्हीं की गवाही में दे रहा हूँ। और ये 5 महीने से प्रेग्नेंट है, माँ बनने वाली हैं और मुझे सेकेंड मंथ से ही, दूसरे महीने से ही कोल्ड और कफ हुआ था, ठंडा हो गया था, कफ बहुत ज्यादा ही हो गया था इनको दूसरे महीने से ही, जो कि जा ही नहीं रहा था, कोल्ड कफ इतना ज्यादा हो गया था जो जा ही नहीं रहा था। और ये लिखती हैं, थर्ड मंथ हो गए थे, मेरा कफ कोल्ड जा ही नहीं रहा था, दो सेकेंड महीने से कोल्ड एंड कफ इनका शुरू हुआ, ठंडा और सर्दी और इनका कफ जमा हो गया और वो जा ही नहीं रहा था, तीसरा महीना हो गया। और ये लिख रही हैं, एक्सरे कराने पे पता चला कि मेरे दोनों लंग्स इन्फेक्टेड हैं, जो फेफड़ा है वो इन्फेक्टेड हो चुका है, दोनों फेफड़े, और इसी कारण इनका इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था और फेफड़े में इनका इन्फेक्शन हो गया था, जैसा आपने सुना कोरोना के समय। और शांता अमन लकड़ा ने फिर से प्रेज द लॉर्ड लिखा है, उन्हीं की गवाही में दे रहा हूं, कोरोना के समय में जैसा था, फेफड़े इन्फेक्टेड हो जाते थे, फेफड़े बेकार हो जाते थे, वैसा ही इस बहन का हो गया था। और ये लिख रही हैं, और मुझे चेस्ट पे इतना पेन था, इतना दर्द था कि मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही थी और सांस लेने में भी काफी प्रॉब्लम हो रहा था और फेफड़े इन्फेक्टेड हो चुके थे। और फेफड़े हमारे, हम जो सांस लेते हैं फेफड़ों के द्वारा ही होता है, और फेफड़े इनके बिल्कुल ही डैमेज हो चुका था, फेफड़े इन्फेक्टेड हो चुके थे, इस कारण ये सांस नहीं ले पा रही थी, चलना तो मुश्किल है क्योंकि अगर आप ठीक से सांस नहीं ले पाएंगे तो आप चल भी नहीं पाएंगे, और ऐसा ही इनको हो गया था। और मैं रात में सो भी नहीं पाती थी, इतना दर्द था, और डॉक्टर ने मुझे लिमिटेड मेडिसिन दिया क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूं और ये माँ बनने वाली कंसीव की हैं, तो इनको ज्यादा प्रेगनेंसी में ज्यादा दवाइयां नहीं दी जाती हैं और इनको ज्यादा दवाई नहीं दिया डॉक्टर ने। तब मैंने रोहिणी दीदी को व्हाट्सएप पे प्रेयर रिक्वेस्ट दिया क्योंकि मैं ठीक से बात भी नहीं कर पा रही थी, व्हाट्सएप पे इन्होंने लिख कर अपने निवेदन को डाला क्योंकि ये बात करने के हालत में नहीं थी, चलना फिरना उठना बैठना सब कुछ मुश्किल था। शांता मन लकड़ा की मैं गवाही दे रहा हूं, और इन्होंने व्हाट्सएप पे अपने निवेदन डाले और मैं रेगुलर ऑनलाइन प्रेयर में जुड़ी और मेरा कोल्ड कफ, चेस्ट पेन, छाती का दर्द और इनका सर्दी और कफ जो जमा हो गया था फेफड़ों में वो सब चला गया। हालेलुया, यीशु मसीह का धन्यवाद हो, इस सभा के जरिए प्रभु ने संभाल लिया और इन्होंने अपने निवेदन को डाला, यीशु मसीह ने इनके निवेदन को सुना। और हमारे इस ऑनलाइन आराधना की यही गवाही है, लोग देखते देखते चंगे हो जा रहे हैं, सभा में शामिल हो रहे हैं, लोग चंगे हो जा रहे हैं। समय से आप लोग आइए, समय से आप लोग इस सभा में शामिल होइए, 7 बजे शाम, हर एक मंगलवार और रविवार शाम 7 बजे ये सभा शुरू हो जाती है और आप ही लोग के लिए चलाया जा रहा है। समय से आइए ताकि यीशु मसीह आपके जीवन में समय से काम करे। और जो इनका एक्सरे में लंग्स जो था, इनके फेफड़े इन्फेक्टेड हो चुके थे, फेफड़ों ने ठीक से काम करना बंद कर दिया था, लेकिन इन्होंने निवेदन दिया और इन्होंने ऑनलाइन सभा में ये नियमित रूप से शामिल हुई और यीशु मसीह ने इतना बड़ा इनके जीवन में काम किया कि अब वो सारे प्रॉब्लम्स दूर हो गए। यीशु मसीह का धन्यवाद, क्योंकि दवाइयां इनको डॉक्टर ने नहीं दिए थे, प्रेगनेंसी में दवाइयां ज्यादा डॉक्टर हार्ड दवाइयां नहीं देते और बिना समझ लीजिए दवाइयों के यीशु मसीह ने इस ऑनलाइन आराधना के जरिए इनको ठीक कर दिया। अब मैं अच्छे से सो भी पाती हूँ, मसीह को बहुत बहुत धन्यवाद।
और दीदी और भैया को मसीह की आशीष मिले। यीशु मसीह का हम धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह काम करने वाले परमेश्वर है। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब यीशु मसीह काम करते हैं। अब सोचिए आप, ये दवाइयां खाती तो बच्चे को नुकसान होता, दवाइयां नहीं खाती तो इनको नुकसान होता। अब ऐसे समय में प्रभु ने इनके जीवन में काम किए। यीशु मसीह काम करने वाले परमेश्वर है। यीशु मसीह अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर। इसके लिए हम लाखों करोड़ों बार प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम दूसरी गवाही में जल्दी से जाते हैं। ये है बहन वंदना मसीह करके हैं, और वंदना मसीह की गवाही, और इनके जीवन में यीशु मसीह ने पहले भी सभा के जरिए बहुत सारे काम किए। फिर से वंदना मसीह बहन ने अपनी गवाही को दिया है। शांतामन लकड़ा ने थैंक यू जीसस फिर से लिखा है, जिनकी पहली गवाही मैंने दी थी। और वंदना मसीह लिखती हैं, मेरा नाम वंदना मसीह है और मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु यीशु ने मुझे फिर से एक नहीं दो गवाही के लिए तैयार किया है। प्रभु यीशु बहुत महान है और मदर्स डे पर वंदना मसीह ने जय मसीह की लिखा। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, वंदना मसीह ने जय मसीह की लिखा है और उन्हीं की गवाही में दे रहा। मदर्स डे पर ही मेरी मम्मी को हार्ट अटैक आया और ये मम्मी को थर्ड अटैक था। थर्ड अटैक खतरनाक होता है। वंदना मसीह ने जय मसीह की लिखा, फिर से आप देख सकते हैं और उन्हीं की गवाही दे रहा हूँ। थर्ड हार्ट अटैक जो होता है ना, वो बहुत ही खतरनाक होता है और बचने का बहुत ही मुश्किल होता है बचना। और ये थर्ड हार्ट अटैक आया और थर्ड हार्ट अटैक था, लेकिन हमने केवल विश्वास किया और सही टाइम पे उनको ट्रीटमेंट मिल गया। लेकिन डॉक्टर ने 24 घंटे बोला था कि कुछ भी हो सकता है, बहुत बड़ा अटैक आया है। 24 घंटे का डॉक्टर ने समय दिया। लेकिन वंदना मसीह जो है, ये बहन जो है, नियमित रूप से सभा में शामिल रहती हैं। हर सभा में हर एक ट्यूसडे संडे ये शामिल रहती हैं और यीशु मसीह ने इनके जीवन में काम किया, इनके विश्वास को बढ़ाया। और आप जानते हैं जो लोग इस सभा में नियमित रूप से शामिल होते हैं, यीशु मसीह उनके जीवन में बड़े बड़े काम करते हैं। डॉक्टर ने क्या कहा, इनकी माँ को थर्ड हार्ट अटैक है और हार्ट अटैक जो है बहुत बड़ा है, 24 घंटे का समय दिया, कुछ भी हो सकता है। और एक दिन बाद फिर से उनको तेज पेन होने लगा, छाती में सीने में उनको दर्द बहुत ज्यादा ही होने लगा। वंदना मसीह ने फिर से जय मसीह की लिखा है और मैं होने लगा, हार्ट में सहा नहीं जा रहा था, इतना ज्यादा उनकी माँ को दर्द था। और मैंने रोहिणी दीदी को कॉल किया और मेरे और दीदी ने कॉल बैक किया और मेरे दीदी की बेटी ने सारी बात बताई। मैंने फोन उठाया और ये लिखे सुधांशु भैया को बताए, मैंने फोन उठाया और उनकी दीदी की बेटी ने इन सारी बातों को बताया। उन्होंने कहा प्रार्थना करेंगे और फिर मेरी मम्मी नॉर्मल होती गई। जैसे ही फोन से बात हुई, जैसे ही इनकी बात हमसे हुई और हम और यीशु मसीह ने काम करना अपना शुरू कर दिया। और जो डॉक्टर ने कहा 24 घंटे का समय है, कुछ भी हो सकता है, बहुत बड़ा हार्ट अटैक है, लेकिन जैसे ही फोन से बात हुई, यीशु मसीह ने इनकी माँ को नॉर्मल करना स्टार्ट कर दिया। और ये लिखती हैं कि मेरी मम्मी नॉर्मल होती गई, प्रभु का लाखों लाख धन्यवाद हो जो हमारे दीदी और भैया की प्रार्थना को सुनते हैं। और मेरे मम्मी अब पूरी तरह चंगी हो गई, पूरी तरह से ठीक हो गई। इनकी मम्मी जो इतना बड़ा हार्ट अटैक आया था, लेकिन अब इनकी माँ पूरी रीति से ठीक हैं और प्रभु ये तरह चंगी हैं। मेरा बेटा मयंक बहुत अच्छे नंबर से पास हुआ है। अच्छा, बेटे के लिए भी इन्होंने निवेदन दिया था और बेटा एग्जाम लिखा था, वो भी बहुत अच्छे नंबर से पास हुआ। प्रभु यीशु ने मेरे बेटे को बहुत बुद्धि और समझ दी है, प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद। और दो दो गवाहियां माँ की और बेटे की, दोनों की। माँ को हार्ट अटैक से बचाया, मृत्यु में जाने से बचा, बेटे को अच्छे नंबरों से यीशु मसीह ने पास करवाया। और ये इस सभा में नियमित रूप से बनी रहती हैं। यीशु मसीह ने इनके जीवन में बड़े कामों को किया और संकट में यीशु मसीह अति सहज से मिलने वाले परमेश्वर है। अगर हमारा रिलेशन प्रभु के साथ अच्छा है, अगर हमारा संबंध प्रभु के साथ अच्छा है और हम बुलाते हैं, प्रभु हमारी सुनते हैं। और वंदना मसीह की माँ को प्रभु ने बचाया। वंदना मसीह ने प्रभु यीशु की महिमा हो लिखा है
तो यीशु मसीह का हम धन्यवाद देते हैं। आप भी ऐसा मत सोचिए कि हमारे जीवन में संकट नहीं आ सकते। संकट, परेशानियां, तकलीफें और प्रॉब्लम्स कब आ जाए हम नहीं जान सकते, लेकिन अगर आप ठीक ढंग से प्रभु के साथ जुड़े हैं, यीशु मसीह संकट में आपको बचाएंगे। और हमारे इस ऑनलाइन की तो यही गवाही है, जो नियमित रूप से इस सभा में शामिल है, यीशु मसीह उनके जीवन में काम करते हैं। तो यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं। आइए एक अंतिम गवाही में जाएंगे, और ये कोई भाई है, सुनील होरो करके भाई है। सुनील होरो के आईडी से ये लिखते हैं, जय मसीह की दीदी और भैया। सुनील होरो, अगर आप सभा में शामिल हैं तो जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, आप जरूर से लिखिए। किसी और आईडी से देख रहे हैं तो जय मसीह के बाद आप अपना नाम लिखिए। और ये लिखते हैं, जय मसीह की दीदी और भैया, मेरा नाम संगीता होरो। अच्छा, संगीता होरो कोई है जो सुनील होरो के आईडी से देखती हैं और ये लिख रही हैं, मेरी गवाही है मेरे पैर के बारे में। पैर में इनका प्रॉब्लम था और ये लिखती हैं, मेरा पैर में, हाँ, सुनील होरो के आईडी से जय मसीह की उन्होंने लिखा है। सुनील होरो के आईडी से उन्होंने जय मसीह की लिखा है। कई लोग बहुत लेट से ज्वाइन कर रहे हैं और आप लोग गवाही नहीं सुनेंगे तो कैसे आपका विश्वास बढ़ेगा कि प्रभु आपके जीवन में भी काम करेंगे। समय से आइए, 7 बजे शाम से हर एक ट्यूसडे और हर एक संडे ये सभा शुरू हो जाती है और यीशु मसीह लोगों के जीवन में काम करते हैं। सुनील होरो के आईडी से संगीता होरो लिख रही हैं, आपने देखा सुनील होरो ने जय मसीह की लिखा है, और ये लिखती हैं कि मेरे पैर में 2 साल से सांप के केचुल जैसा हो गया था। सांप का केचुल के जैसा इनके पैरों में 2 वर्ष से हो गया था। सांप का केचुल आप जानते हैं, सांप अपनी केचुल को उतारता है, और वैसा ही इनके पैरों में, संगीता है होरो के पैरों में ठीक वैसा ही हो गया था, और खुजली भी बहुत लगता था इनके पैरों में, 2 वर्ष हो गए थे। जब मैं ऑनलाइन सभा सुनने शुरू की उसके बाद मैंने दीदी को कॉल की, कॉल भैया रिसीव किए, फिर मैं दीदी में क्या लिखी है ये कॉल करने का, अच्छा, समय दी, फिर इनको समय दिया गया फोन करने का, और फिर मैं कॉल की और दीदी मेरे लिए प्रार्थना कर दी। और जो यहाँ नियमित रूप से शामिल है, आप जानते हैं, जो हर एक ट्यूसडे संडे नियमित रूप से सभा में शामिल है और आपको समय दिया जाता है, जब आप फोन करते हैं, आप प्रार्थना कराना चाहते हैं तो आपको समय दिया जाता है और उनके लिए प्रार्थना हम लोग जरूर से करते हैं। लेकिन जो नियमित रूप से सभा में शामिल नहीं है तो फिर आपके लिए प्रार्थना करना फोन में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और इनको समय दिया गया प्रार्थना का क्योंकि इन्होंने फोन किया, ये नियमित रूप से सभा में शामिल है, और उसके बाद इनके लिए प्रार्थना हुआ फोन में ही, उसके बाद मेरा पैर अभी ठीक हो गया है। हालेलुया, यीशु मसीह का धन्यवाद हो। सुनील होरो ने फिर से जय मसीह की लिखा। इन 2 वर्षों में क्या आप लोगों ने कभी भी दवाइयां नहीं ली? सुनील होरो जो है, संगीता होरो जो है, दवाइयों का सेवन नहीं किया, और मैं यकीनन कह सकता हूं इन 2 वर्षों में इन्होंने दवाइयां भी ली होंगी, डॉक्टर के पास भी गए होंगे, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स भी कराए होंगे, लेकिन ठीक नहीं हुआ। आप लोगों ने सुना इनके पैरों में सांप के केचुल के जैसा हो गया था, खुजलियां, उसमें खुजली होता था, लेकिन ठीक नहीं हुआ। लेकिन जब इस सभा में शामिल हुए और उन्होंने फोन किया और फोन में उनके लिए प्रार्थना हुई और उनका पैर पूरी रीति से ठीक हो गया है। 2 वर्षों की बीमारी एक पल में यीशु मसीह ने दूर कर दिया और अभी ये बिल्कुल ठीक है। और बहुत बहुत प्रभु यीशु का धन्यवाद करती हूँ और सबों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उसके किसी मनुष्य को धन्यवाद नहीं करना, बहन आप यीशु मसीह को धन्यवाद करें। और सबों और ये लिखी हैं, और भैया को बहुत बहुत आशीष मिले, दीदी और भैया को बहुत बहुत आशीष मिले, जय मसीह की। जय मसीह की बहन संगीता होरो जो सुनील होरो के आईडी से देख रही हैं, यीशु मसीह ने आपके जीवन में अद्भुत काम किया, यीशु मसीह में इसी तरह से बने रहिए। यीशु मसीह का हम धन्यवाद देते हैं। तो सारी गवाहियों के लिए हम प्रभु यीशु मसीह का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद देते हैं। अभी जितने लोग, बहुत लोगों को मैंने देखा बहुत लेट से वो लोग ज्वाइन किए हैं, आप लोग गवाहियां नहीं सुनेंगे, आपका विश्वास कैसे बढ़ेगा कि प्रभु ने उनके जीवन में काम किया और उनके जीवन में अद्भुत काम किया तो मेरे जीवन में भी करेंगे। और यीशु मसीह से आप चाहते हैं कि वो आपके जीवन में काम करे तो समय से आप लोग इस सभा में शामिल होइए। ये मैं बार बार दोहरा, ये सभा
हर एक मंगलवार और रविवार शाम 7 बजे से चलाई जाती है। तो सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। कोई यहाँ पे लिख रहे थे उस समय, आपका नंबर दीजिए, हमारा नंबर आपको हमारे इसी हमारे पेज में मिल जाएगा, हमारा व्हाट्सएप नंबर यहीं पे आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा पेज में जाइएगा बाद में और हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। तो सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते यीशु मसीह को। आइए हम लोग एक छोटी प्रार्थना में जाएं और उसके बाद तुरंत हम लोग वचन में जाएंगे और देखेंगे प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और उसके बाद हम लोग वचन में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। जितना भी आपका धन्यवाद दे वो कम है। आपने अनोखे काम किए हैं, लोगों के जीवन में काम किए और बताया कि आप परमेश्वर हैं और आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। दयालु परमेश्वर, जब आपने आज जिनकी गवाहियां दी गई उनके जीवन में काम किए, तो आप बाकी लोगों के भी जीवन में काम करने में सक्षम है। प्रभु लोगों के विश्वास को बढ़ाइए, लोग आप पे धीरज धरने पाए और आपके वचन के अनुसार चलने पाए ताकि वो आशीषित होने पाए। दयालु परमेश्वर, मेरे गले को, मेरे होंठों को छू लीजिए ताकि जितने वचन निकले सारे निर्माणकारी वचन होने पाए। दयालु परमेश्वर, सब कुछ आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं, आपके कंट्रोल में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के पवित्र मीठे और महासामर्थ्य नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग राज्य में से ग्रहण कीजिए, आमीन। तो आइए हम लोग जल्दी से वचन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं। और यीशु मसीह का हम जितना भी धन्यवाद दे वो बहुत ही कम है। वो महासामर्थ्य परमेश्वर, आपकी कोई भी बीमारी, कोई भी समस्या क्यों ना हो, यीशु मसीह हर समस्या से आपको निकालने में सक्षम है। आप इस सभा में नियमित रूप से शामिल होइए जो हर एक मंगलवार और रविवार शाम 7 बजे से चलाई जाती है। और यीशु मसीह देखिएगा आपके जीवन में काम करेंगे। और हमारा व्हाट्सएप नंबर आप देख सकते हैं, हम लोगों ने डाल दिया है, आप उस नंबर में हमें बाद में व्हाट्सएप कर सकते हैं और यहाँ आप हमें फोन भी कर सकते हैं। लेकिन फोन करने का नियम है, आपको 4 लाइव सभा में पहले तो शामिल होना पड़ेगा और जब आप 4 लाइव सभा मंगलवार रविवार देख लेंगे उसके बाद आप हमें फोन कर सकते हैं। फोन करने का समय दिन के 12 बजे से रात के 8 बजे तक ही है। इसी बीच फोन करेंगे तो हम उठाएंगे, इसके आगे पीछे करेंगे तो उठाना मुश्किल हो जाएगा। भाई हम लोग वचन में आगे बढ़ेंगे और फिर से हम लोग उसी आदम रहुआ के स्टोरी में जाते हैं, क्योंकि जितनी बार हम लोग इस आदम और हवा की स्टोरी को सुनते हैं, इस पात्र को देखते हैं, पवित्र आत्मा हमें नई बातों की शिक्षा हमेशा देते हैं। और ये आदम और हवा कई बातों में हमें बहुत सारी जानकारियां देते हैं। उनका जो पात्र है, वो जो कैरेक्टर है, वो कई सारी चीजें हमें बतलाती है। तो आइए हम लोग देखेंगे फिर से और हम लोग उत्पत्ति में जाएंगे। बाइबल के पहली पुस्तक उत्पत्ति है, उसका 3 अध्याय और उसका 1-2 में देखिए और क्या वहां लिखा है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम लोग पुराने लोग के लिए नहीं, हम लोग नए लोगों के लिए शिक्षा देते हैं। कई लोगों को आदम हवा की स्टोरी पता नहीं है, तो परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन के बगीचे में रखा। परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया। फिर से मैं थोड़ा सा संक्षेप में आपको बता दूं, परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और उन्हें अदन के बगीचे में रखा और कहा कि तुम इस बगीचे में जितने फल हैं सबको खा सकते हो, लेकिन जो ज्ञान के वृक्ष का जो फल है ना, उसको मत खाना, क्योंकि जिस दिन तुम खाओगे उसी दिन तुम मर जाओगे। और ऐसा हुआ कि जब ये लोग उस अदन के बगीचे में थे और वहां पे हम देखते 3 अध्याय उसका 1-1 पढ़िए, आगे देखते हैं वहां पे क्या लिखा है। 3 अध्याय 1-1 पढ़िए। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। हाँ, धूर्त था, धूर्त वो था। और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना। हाँ, किसी वृक्ष के फल को मत खाना, क्या परमेश्वर ने ऐसा कहा है। स्त्री से सर्प ने बातचीत किया, ये सर्प हम जानते हैं शैतान था, सर्प के रूप में आया था। और फिर स्त्री ने सर्प से कहा, हाँ, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। हाँ, अब सर्प ने स्त्री से बातचीत किया और स्त्री ने सर्प से बातचीत किया। यहाँ पे वार्तालाप होने लगे और हम लोग जानते हैं कि ये वार्तालाप कब हुए। ये वार्तालाप तब हुए जब परमेश्वर वहां उपस्थित नहीं थे। बाइबल में लिखा है परमेश्वर दिन के ठंडे समय में
उस वाटिका में, उस बगीचे में आते थे, वहां पे क्या करने आते थे, आदम हवा से भेंट करने के लिए आते थे। और यहाँ पे जब यहाँ वार्तालाप चल रही थी, ये सर्प भी कब आया, वो धूर्त था, वो परमेश्वर के जब थे वहां उस समय नहीं आया, लेकिन जब परमेश्वर नहीं थे उस समय वो स्त्री के पास आया और उससे कई बातें करने लगा कि क्या सच है परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका को किसी वृक्ष के फल को मत खाना। स्त्री ने उससे बात किया, नहीं हम खा सकते हैं लेकिन जो ज्ञान के वृक्ष का फल है उसके फल को खाने से परमेश्वर ने मना किया। यहाँ वार्तालाप चल रहे और ये वार्तालाप जो है पता नहीं कितने दिन चले, कितने समय चले, यहाँ हम उस बात को हम लोग डिटेल में नहीं देख सकते, लेकिन यहाँ वार्तालाप हो रहे थे। और उसके बाद यही हुआ कि सर्प ने, शैतान ने इनको कन्विंस किया और इन्होंने जाके फल को खाया, जिस फल को खाने से परमेश्वर ने मना किया था। और जब फल खाया तो इनकी आंखें खुल गई, बाइबल बताती है, और उनको जान पड़ा कि हम तो नंगे हैं और वो परमेश्वर से छुप गए। और फिर उसके बाद देखते हैं परमेश्वर अपने समय से, दिन के ठंडे समय में आए वहां पे और उन्होंने कहा आदम हवा तू कहाँ है, आदम तू कहाँ है। तो आदम और हवा ने जवाब दिया हम तो यहाँ हैं, हम तेरे डर से हम छिप गए हैं क्योंकि हम नंगे हैं। और ऐसा हुआ और उसके बाद हम जानते हैं उसकी स्टोरी, उसके बाद परमेश्वर ने उनको उस अच्छे अदन के बगीचे से बाहर निकाल दिया। अब उनको अपने मेहनत के कमाई की रोटी खानी थी, उनको मेहनत करना था और उसका कमाई का खाना था, पसीने की रोटी खानी थी, उनको मेहनत करना था, अदन के बगीचे में उनको कुछ नहीं करना था। यहां पर अगर हम देखें तो बाइबल में एक चीज हम देखते हैं, क्या परमेश्वर को पता नहीं था कि सर्प अदन के बगीचे में घुसा है? क्या परमेश्वर को यह पता नहीं था कि सर्प और स्त्री में बातचीत चल रहा है? क्या परमेश्वर को यह पता नहीं था कि स्त्री और पुरुष जो आदम और हव्वा जिसको मैंने कहा है इस ज्ञान के वृक्ष के फल को मत खाना, क्या उन्होंने उस ज्ञान के वृक्ष के फल को तोड़ के खा लिया है? क्या उनको ये नहीं पता था? मेरे प्रियो उनको सब चीज पता था, सारा कुछ उनको मालूम था, परमेश्वर को सब कुछ मालूम था। तो परमेश्वर ने आखिर यहाँ पे आदम और हव्वा को क्यों नहीं रोका? वो इसलिए नहीं रोका मेरे प्रियो, यहाँ पे अगर हम लोग व्यवस्था विवरण की पुस्तक देखेंगे, बाइबल में पुराने नियम में व्यवस्था विवरण की पुस्तक है और उसका 30 अध्याय और उसके 15 पद को अगर हम लोग देखेंगे, पहले भी मैंने इस वचन को आपके सम्मुख पढ़ा है, फिर से हम लोग पढ़ेंगे 30 अध्याय उसके 15 पद में, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ, देखिए क्या लिखा है। सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया। हाँ, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, सुन आज मैंने तुझको जीवन भी दिखाया है और मरण भी दिखाया है, हानि भी दिखाया और लाभ भी दिखाया है। आगे, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना। हाँ, यहाँ पे परमेश्वर ने जीवन मरण हानि और लाभ दिखा दिया। 19 पद भी देखिए वहाँ पे क्या लिखा, इसी का 19 पद, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ। हाँ, आकाश और पृथ्वी को साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। हाँ, जीवन और मरण, आशीष और शाप को परमेश्वर ने हमारे सामने रख दिया है, और इसलिए तो जीवन ही को अपना ले। किसको अपना ले? तो जीवन ही को अपना ले। परमेश्वर चाहते हैं कि हम जीवन को अपनाए, लेकिन आगे पढ़िए कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। तू और तेरा वंश दोनों क्या रहे? जीवित रहे। परमेश्वर की ये इच्छा है, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा कि हम सभी कोई जीवन पाए, हम सभी कोई अनंत जीवन पाए, हम सभी हानि से बच जाए, हम मृत्यु में जाने से बच जाए। हम परमेश्वर ने हमारे सम्मुख दोनों चीज रख दी, आशीष भी रख दिया है और श्राप भी रख दिया है, जीवन भी रख दिया है और मृत्यु भी रख दिया, उन्होंने सब कुछ बता दिया। और हम वचन के द्वारा जानते हैं ये जीवन की बातें हैं, ये मृत्यु की बातें हैं, ये हानि की बातें हैं, ये लाभ की बातें हैं। परमेश्वर चाहते तो है, यीशु मसीह चाहते तो है कि हम जीवन को अपनाएं, लेकिन परमेश्वर फोर्स नहीं करते, वो नहीं कहते चल तुझे जीवन पाना ही होगा, वो हमारे गर्दन पकड़ के नहीं बोलते चल चल तुझे स्वर्ग जाना ही होगा, ऐसा परमेश्वर नहीं करते, यीशु मसीह ऐसा नहीं करते। वो हमारे सम्मुख रख देते हैं, चुनाव करने का अधिकार हमें देते हैं, चुनाव हमारे ऊपर छोड़ देते हैं, हम क्या चाहते हैं। सबसे पहला चुनाव, परमेश्वर ने जीवन और मरण रखा है और वो क्या चुनाव है,
हम प्रभु के पीछे चलते हैं या नहीं चलते हैं, हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं या नहीं चलते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है यीशु मसीह जीवन है, और हम जीवन के पीछे चलेंगे तो हम जीवन पाएंगे, और हम जीवन से जितना दूर जाएंगे हम मृत्यु की तरफ जाएंगे। पहला चुनाव तो ये हो गया। उसके बाद कई लोग ये चुनाव करते हैं कि हम प्रभु के पीछे चलने का निर्णय लेते हैं और वो जीवन को चुनते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं मेरे प्रियो, प्रभु कभी भी, यीशु मसीह कभी भी फोर्स नहीं करते आपको कि तुझे जीवन को ही चुनना होगा, या वो ऐसा नहीं करते, वो तलवार लेके खड़े नहीं रहते तुझे जीवन को ही चुनना होगा, और वो हमारे हाथ पकड़ के ऐसा नहीं करते तुझे जीवन चुनना होगा, लेकिन वो हमारे सम्मुख सब चीज रख देते हैं। और जब हम निर्णय लेते हैं हम प्रभु के पीछे चलेंगे, उसके बाद हमारे सामने वचन है, प्रभु यीशु मसीह कई चीजों में हमें बतलाते हैं, तू ऐसा करना, तू ऐसा मत करना, तू ये करना, तू ये मत करना, अगर तू ये करेगा तो तू जीवन पाएगा, तू लाभ होगा, और तू ये नहीं करेगा या ये तू ये करेगा तो तेरी हानि होगी। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार आदम और हव्वा को परमेश्वर ने अदन के बगीचे में रख दिया और कहा सब कुछ तू खाना, उसके सामने जीवन और मरण, हानि और लाभ दोनों रख दिया, उसने परमेश्वर ने कहा सब कुछ खाना लेकिन बस उस ज्ञान के वृक्ष का फल तू मत खाना। परमेश्वर ने वहां चुनाव दे दिया, परमेश्वर वहां पे किसी स्वर्गदूत को नहीं रख दिए कि आदम जैसे ही हाथ बढ़ा के फल छुएगा, हव्वा जैसे ही हाथ बढ़ा के फल छुएगी उसके हाथ में एक स्टिक से मारना, उसके हाथ में एक डंडे से मारना ताकि वो छू ना पाए। परमेश्वर ने सब चीज वहां पे बता दिया, तू ये काम मत करना नहीं तो तू हानि में जाएगा, तू ये काम मत करना नहीं तो तू तेरी हानि हो जाएगी। कई विश्वासी लोग आज के समय में, हम लोग प्रभु के पीछे चलने वाले बहुत लोग हैं यहाँ पे जो विश्वासी कहलाते हैं, लेकिन हम वचन तो सुनते हैं लेकिन हम प्रभु के वचन के अनुसार चलते नहीं। आज भी कई विश्वासी जो मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं उनके सम्मुख प्रभु ने कह दिया कि तू ये काम मत करना नहीं तो तू हानि में जाएगा, और हम क्या करते हैं, कई विश्वासी आज भी पीने के लिए चले जाते हैं, शराब पीने के लिए, व्यभिचार में चले जाते हैं, और भी गंदे कामों में चले जाते हैं। उनके सामने परमेश्वर ने दो ऑप्शन रख दिए, तू या वचन पढ़ या फिर तू व्यभिचार में जा। लोग क्या करते हैं, व्यभिचार में चले जाते हैं और उसके बाद वो अपने जीवन में हानि को उठाते हैं। आप जब व्यभिचार में जा रहे होंगे ना, परमेश्वर आपको रोकेंगे नहीं, क्योंकि ये चुनाव आपका है। परमेश्वर ने सबसे पहले इस पृथ्वी में हमें चुनने का अधिकार दिया मेरे प्रियो। आज हम आजाद मुल्क में रहते हैं, आज हम लोग बहुत सारे मुल्क से यहाँ पे, और हमें चुनने का अधिकार दिया। हम क्या शर्ट पहनते हैं, क्या पैंट पहनते हैं, हम जींस पहनते हैं या हम ऐसे कुर्ते पैजामे पहनते हैं, ये भी हमारा चुनाव है। हम क्या खाते हैं, हम आज साग खाएंगे या आज हम पनीर की सब्जी खाएंगे या क्या खाएंगे, वो भी हमारा चुनाव है। और परमेश्वर ने हमें सब चीज में चुनने का अधिकार दिया। उसी प्रकार तू वचन पे चलता है या तू वचन का विरोध करता है, ये तेरे ऊपर चुनाव है। परमेश्वर ने वचन आदम और हव्वा को बता दिया, तू मत खाना नहीं तो तू हानि में जाएगा, तू मृत्यु में जाएगा। और ये लोग क्या कर रहे थे, ये वचन के विरोध में काम कर रहे थे, जो परमेश्वर का विरोधी था उसके साथ ये वार्तालाप कर रहे थे। उसके साथ डिस्कशन करने की क्या जरूरत थी, क्या परमेश्वर नहीं देख रहे थे, शैतान अभी आया है अदन के बगीचे में और मेरा जन जो है वो शैतान से बातचीत कर रहा है, शैतान उसको कन्विंस कर रहा है और ये कन्विंस हो भी जा रहा है। कई लोग आते हैं जो आपको, जब आप प्रभु में आगे बढ़ते, कई लोग आएंगे और आपको लेके चलेंगे, बोलेंगे चलो थोड़ा सा एक एक ड्रिंक ले लेते हैं, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। परमेश्वर आपको उस समय नहीं रोकेंगे क्योंकि ये तो आपका चुनाव है, आपको पीना है या नहीं पीना है। कई लोग आएंगे बोलेंगे चलो थोड़ा सा हम लोग जुआ खेल लेते हैं, थोड़े पैसे कमा लेते हैं, उस समय भी यीशु मसीह आपको नहीं रोकेंगे क्योंकि ये तो आपका चुनाव है, वचन आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने है, आपको जुआ खेलना है या नहीं खेलना है ये आपका चुनाव है। कई बार हमें बहुत सारी चीजों में हम भटक जाते हैं, व्यभिचार में फंसने लगते हैं, उस समय भी यीशु मसीह आपको नहीं रोकेंगे। जब हम व्यभिचार में जाएंगे तब भी यीशु मसीह आपको देखेंगे, ये मेरा बेटा मेरा बेटी करते क्या है। अगर ये व्यभिचार में जाएंगे तो वे ये जो है हानि में चले जाएंगे, लेकिन उस समय भी प्रभु यीशु मसीह आपको नहीं रोकते, वो देखते हैं चुनाव तो हमारा है। आप याद कीजिए बाइबल में कई जगह प्रभु ने, जब वो जा रहे थे, यीशु मसीह जा रहे थे और लोगों ने जब उन्हें रोका तो यीशु मसीह ने कहा तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। उस 38 साल के रोगी को याद कीजिए जो
उस कुंड के पास पड़ा हुआ था और प्रभु यीशु मसीह उस जगह पे उसके पास आया। अब प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, तू क्या चाहता है मैं तेरे करूं। अगर हम इसको पढ़ेंगे वचन से तो देखिए यहां पे क्या लिखा, मत्ती रची सुसमाचार अगर हम लोग देखें तो हम लोग देखेंगे सॉरी यूहन्ना की पुस्तक में, यूहन्ना में देखेंगे उसके 5 अध्याय उसके 6 पद में, ये 38 साल का रोगी जो पड़ा था उस कुंड के पास और उसको कोई उस कुंड में उतारने वाला नहीं था, क्योंकि जो उस कुंड में पानी जब हिलता था परमेश्वर के स्वर्गदूत निश्चित समय में पानी को हिलाते थे और जो उस कुंड में पहले उतरता था वो चंगा हो जाता था। लेकिन ये 38 साल का इंसान के पास कोई नहीं था और ये असहाय पड़ा हुआ, तो यीशु मसीह वहां पे आ गए और यीशु मसीह ने क्या पूछा, पढ़िए 5 अध्याय उसके 6 पद से, हाँ? यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखा, हाँ? और जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा, बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता, हाँ, है? क्या तू चंगा होना चाहता है। देखिए यीशु मसीह क्या पूछ रहे, एक बीमार इंसान से प्रभु पूछ रहे, क्या तू चंगा होना चाहता है। क्यों ऐसा पूछा प्रभु ने, यीशु मसीह ने जबरदस्ती नहीं किया, उसके सर पे जबरदस्ती हाथ रख के नहीं बोला तू चंगा हो जा, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है। प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार आपके जीवन में काम करेंगे, आपके ऊपर उन्होंने चुनाव छोड़ दिया, तू क्या चाहता है, पहला तो तू जीवन चाहता है या तू मृत्यु में जाना चाहता है, ये आपके ऊपर है। प्रभु ने सब कुछ खोल के आपको बतला दिया और आप जब चुनाव करते हैं, हाँ मैं जीवन के पास आऊंगा, मैं प्रभु के पास आऊंगा, उसके बाद भी आपके सामने 2 ऑप्शन है, या तो आप वचन पे चलेंगे या वचन को तोड़ेंगे। वचन पे चलेंगे तो जीवन की तरफ आगे बढ़ेंगे, लाभ की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन वचन को तोड़ेंगे तो आप हानि में जाएंगे, वो भी प्रभु ने आपके ऊपर छोड़ दिया। प्रभु ऐसे नहीं है, यीशु मसीह जबरदस्ती नहीं करते, उन्होंने हमें चुनने का अधिकार दिया। सबसे अच्छा तो यही है कि प्रभु ने हमें चुनने का अधिकार दिया है, और इसलिए यीशु मसीह हमेशा कहते क्या तू चंगा होना चाहता है। एक बीमार से आप पूछिएगा क्या तू चंगा होना चाहता, तो वो क्या बोलेगा, बिल्कुल मैं चंगा होना चाहता हूँ। आप भूखे से पूछिएगा क्या तू पेट भरना चाहता है, तू खाना खाना चाहता है, बोलेगा हाँ मैं खाना खाना चाहता हूँ। एक नंगे से पूछिएगा क्या तुझे वस्त्र की जरूरत है, बोलेगा हाँ हाँ मुझे ब्रांडेड कपड़े आप दिला दीजिए। यीशु मसीह ऐसे ही चुनने का अधिकार देते हैं। और मेरे प्रियो विश्वासियों, अगर आप विश्वासी हैं, आपके सम्मुख हमेशा 2 ऑप्शन हैं, या तो आप प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे या उसको तोड़ेंगे। जब चलेंगे तो लाभ में जाएंगे, जब तोड़ेंगे तो हानि में जाएंगे, लेकिन प्रभु कभी भी आपके हाथ पकड़ के आपके जबरदस्ती आपके साथ नहीं करेंगे, नहीं तुझे लाभ लेना ही होगा, तुझे जरूरत नहीं तुझे लाभ लेना ही होगा, ऐसा प्रभु नहीं करते। जबरदस्ती दुष्ट आत्माएं करती हैं, आप बुलाएं या ना बुलाएं वो आ जाएंगी, आपके घर में वास करेंगी। प्रभु ऐसे नहीं है, उनको आपको इनवाइट करना पड़ेगा अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने घर में। आप जब उनको इनवाइट कीजिएगा, प्रभु जी मेरे घर में आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए, तब वो आएंगे। ऐसे नहीं आते प्रभु यीशु मसीह, ऐसे नहीं आते। अगर कोई जबरदस्ती घुस रहा है तो जान लीजिए वो दुष्ट आत्माएं हैं, वो जबरदस्ती घुसेंगी, उसके बाद आप कई जगह फिरेंगे, फिर मौलवी के पास, फिर बाबाओं के पास, फिर इधर उधर ओझा मत्ती के पास, और लास्ट में तब बोलिएगा है कोई प्रभु जो मुझे बचाएगा, तब प्रभु यीशु मसीह से आपकी मुलाकात होगी और तब वो आपके जीवन से उन दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। बीमारियां जबरदस्ती घुस जाती हैं, संकट जबरदस्ती घुस जाते हैं, लेकिन प्रभु जबरदस्ती आपके जीवन में नहीं घुसते, वो आपके सामने ऑप्शन रखते हैं। इसलिए हमेशा विश्वासियों के सामने ऑप्शन रखते हैं, या तो आप व्यभिचार करेंगे या व्यभिचार नहीं करेंगे, या तो आप चोरी करेंगे या तो आप चोरी नहीं करेंगे। कईयों के आज जब विश्वासी जब बैठते हैं कहीं भी आना जाना करते हैं, आप देखेंगे कई के मोबाइल गिर गए और दूसरे ने उस मोबाइल को उठाया और फोन को तुरंत स्विच ऑफ कर दिया। हो सकता है किसी विश्वासी ने उठाया उस फोन को। आपके सामने हमेशा एक ऑप्शन है कि आप उस फोन को वापस लौटाते हैं, आप उस फोन को स्विच ऑफ करते हैं, या आप उस फोन को स्विच ऑन रहने देते हैं, ऑन रहने देते हैं। ये आपके सामने है, बहुत पतली सी एक रेखा है जिसको पार करना बहुत आसान है। और प्रभु कभी नहीं कहते नहीं नहीं तू फोन स्विच ऑफ मत करना, प्रभु सब चीज देख रहे, वो हमेशा आपके ऊपर नजर गड़ा के बैठे कि मेरा बेटा करता क्या है, ये लालच में आ जाता है या ये लालच को छोड़ता है, सब कुछ प्रभु देखते रहते मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो
हमेशा इस बात को ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु मसीह कभी भी आपके साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे कि तुझे करना ही पड़ेगा, तुझे जीवन लेना ही पड़ेगा, तुझे लाभ लेना ही पड़ेगा, ऐसा प्रभु नहीं कहते। वो आपके सामने हमेशा ऑप्शन के रूप में रख देते हैं, तू चुनाव कर, तू क्या चुनना चाहता है, तू जीवन चुनना चाहता है या तू मृत्यु को चुनना चाहता है, तू लाभ चुनना चाहता है या तू हानि को चुनना चाहता है। आदम और हव्वा ने हानि चुना, अपने लिए हानि को चुन लिया उन्होंने। परमेश्वर तो उन्हें लाभ के पद पर बैठाए थे, परमेश्वर ने उन्हें अदन के बगीचे में बैठाए थे जहां उनको कुछ करना नहीं था, उनको बैठे बैठे खाना था, उनको बैठे बैठे सारे चीजों का लाभ लेना था, लेकिन बस एक ही आज्ञा परमेश्वर ने दिया कि ये मत करना, और वो भी वो कर नहीं पाया, उस आज्ञा को उन्होंने तोड़ दिया। कितना मुश्किल था, अगर कोई आपको बहका रहा है, आपको कोई बहकाएगा कि चलो पीने के लिए चलते हैं, तो आप कितना मुश्किल है ये बोलना कि नहीं मुझे नहीं पीना है, कितना मुश्किल है ये बोलना कि मुझे परमेश्वर पे पूरा विश्वास है, मैं व्यभिचार में नहीं जाऊंगा, कितना मुश्किल है ये बोलना कि मैं चोरी नहीं करूंगा क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है और मैं हानि के काम नहीं करूंगा, कितना मुश्किल है ये बोलना कि मैं जुआ नहीं खेलूंगा क्योंकि प्रभु की इच्छा ये नहीं है। आदम और हव्वा के लिए कितना बड़ा मुश्किल हो गया जब उसको शैतान सर्प जब बहका रहे थे, तो इन्होंने उसकी बातों को अनसुना नहीं किया, इन्होंने उसको नहीं कहा तू चुप कर, मुझे तेरी बातों पे नहीं आना, मेरे परमेश्वर ने जो कहा है मैं उसके अनुसार करूंगा। ये लोग क्या करने लगे, उससे वार्तालाप करने लगे। सब परमेश्वर बैठ के देख रहे थे, परमेश्वर की नजर थी वहां पे, ये लोग अब करते क्या हैं, ये लोग क्या करना चाहते हैं। उन्होंने ऑप्शन छोड़ दिया और आदम और हव्वा ने हाथ बढ़ा के, आप जानते हैं, उन्होंने हानि को चुन लिया। मेरे प्रियो, प्रभु ने हमें चुनने का अधिकार दिया है, लेकिन चुनने का मतलब ये नहीं, प्रजातंत्र का ये मतलब नहीं कि हम कुछ भी करें और वो सब कुछ हो जाए। हमारे भी रांची शहर में, हमारे देश में, पहले तो भारत देश में प्रजातंत्र है और हम चुन सकते हैं हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, सब चीज का अधिकार है। हमारे रांची शहर में भी अब ऐसा हो गया है कि बाहर से लड़के लड़कियां, यहाँ हमारा रांची शहर जो है वो पढ़ाई के मामले में थोड़ा सा आगे बढ़ चुका है, और बाहर से कई जगहों से यहाँ पे लड़के और लड़की आते हैं और एजुकेशन हब की तरह हो गया है। और हमारे शहर में अब रात में 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे भी लड़कियां जो है छोटे छोटे कपड़े पहन के घूमते हुए नजर आती हैं, और वो शराब के नशे में भी तुल होकर इधर उधर घूमती हैं। क्यों? क्योंकि चुनने का अधिकार है, प्रजातंत्र है, कोई कुछ बोल नहीं सकता, वो क्या पिएंगी कौन बोलेगा, वो क्या पहनेंगी कौन उनको बोलेगा। लेकिन चुनने के अधिकार का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करेंगे, ऐसा नहीं है, हानि में आपको जाना पड़ेगा, आप हानि में चले जाएंगे। इसी तरह परमेश्वर ने भी हमें जब चुनने का अधिकार दिया है, इसका मतलब कि ये नहीं कि आप कुछ भी करेंगे, आप कुछ भी कर सकते, ऐसा नहीं है, आप उसके परिणाम को देख कर भी करना है हमें। हम अगर जुआ खेलते हैं, हम अगर चोरी करते हैं, हम अगर झूठ बोलते हैं, हम अगर किसी की चुगलियां करते हैं, तो वो जानिए उसके भी पीछे भी जब हम कर देते हैं तब तक परमेश्वर हमें नहीं रोकेंगे, लेकिन जब हम कर देंगे तो हानि में भी जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो विश्वासियों, विशेष करके हमें जब परमेश्वर ने सब चीज अधिकार दिया, परमेश्वर हमें बीच में नहीं टोकेंगे, लेकिन वो हमारे काम के अनुसार हमें फल देंगे। इसलिए मत्ती रची सुसमाचार 16:27 में देखिए क्या लिखा है, एक वचन पढ़ेंगे, देखिए क्या लिखा है, और हम लोग वचन को समाप्त करेंगे और हम लोग तुरंत फिर आपके लिए प्रार्थना में जाएंगे। पढ़िए मत्ती 16:27, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा। हाँ, पिता की महिमा में आएगा, मनुष्य का पुत्र यानी यीशु मसीह अपने लिए बोल रहे, वो मनुष्य के पुत्र बोल रहे आगे, और उस समय हाँ वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। हाँ, किसके अनुसार प्रतिफल देगा, कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। उस दिन हम लोगों ने सुना, जो तू मुंह से बोलेगा ना उसका तू प्रतिफल पाएगा, और हम लोग बहुत कुछ प्रतिफल पा भी लेते हैं, क्योंकि जो मन में भरा है वो मुंह से निकलता है। क्योंकि आप मन में किसी के लिए बुरा सोच रहे, बुरा सोच रहे, बुरा सोच रहे, एक दिन आप उसके लिए बुरा बोल भी देंगे, और किसी के लिए आप सोच रहे उसके बाद आप वो काम कर भी देंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है कामों के अनुसार फल देगा,
आप क्या काम करते हैं उसके अनुसार परमेश्वर आपको फल देंगे। वो तो एक न्याय तो बाद में होगा ही, लेकिन एक न्याय यहाँ ऑन द स्पॉट भी हो जाता है। बहुत सारे विश्वासी भाई बहन लोग आज विपत्तियों में जाते हैं, क्यों? क्योंकि मैं हमेशा आपसे कहता हूं, पर जब आप प्रभु के पीछे चलते हैं ना, यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, यीशु मसीह अपने लहू के बाड़े को आपके चारों ओर बांधते हैं, लहू के बाड़े में आपको सुरक्षित रखते हैं। लेकिन हम जब कुछ ऐसे काम करते हैं जो प्रभु को पसंद नहीं है, हम उस लहू के बाड़े को तोड़ देते हैं, उस यीशु मसीह के उस लहू के घेरे को हम तोड़ देते हैं और दुष्ट आत्माएं को हम अपने जीवन में इनवाइट करते हैं। आओ तुम मेरे जीवन में प्रवेश करो, आओ बीमारियां मेरे जीवन में प्रवेश करो, आओ रोग मेरे जीवन में प्रवेश करो, विपत्तियां मेरे जीवन में प्रवेश करो, और हम तोड़ देते हैं। और यहां परमेश्वर का वचन कहता है, कामों के अनुसार तुझे फल मिलेगा। हम क्या करते हैं, कामों के अनुसार हमें अच्छा फल भी मिलेगा, कामों के अनुसार हमें बुरा फल भी मिलेगा। कामों के अनुसार तू लाभ में भी जा सकता है, कामों के अनुसार तू हानि में भी जा सकता है। आज अगर हम विश्वासी कहलाते हैं मेरे प्रियो, फिर भी अगर हमारे जीवन में आज भी नशे की आदत है, हम नशे करते हैं, हम व्याभिचार में जीवन बिता रहे हैं, हम चोरियां करते हैं, हम अगर और भी गंदे काम करते हैं, हम अगर गलत काम करते हैं, तो उसका भी हमको प्रतिफल मिलेगा। वो भी प्रतिफल पाने के लिए हम तैयार हैं। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को नहीं छोड़ा, जिसको परमेश्वर ने हाथों से बनाया, पृथ्वी का पहला नर और नारी के रूप में बनाया, तो वही परमेश्वर है जो इब्रानियों के अनुसार वो कल आज और युगानियों एक से परमेश्वर है। जब उन्होंने आदम और हव्वा को नहीं छोड़ा, तो फिर हमें क्यों छोड़ेंगे? वो हमारे कामों के अनुसार हमें प्रतिफल देंगे। बाइबल में कई ऐसे लोग हैं जिनको उनके कामों के अनुसार अच्छा प्रतिफल मिला, परमेश्वर ने उन्हें बहुत ऊंचा उठाया, और कई ऐसे लोग हैं जो अपने कामों के कारण बिल्कुल हानि में चले गए। एक विश्वासी होके भी अगर हम परमेश्वर के वचन के विरोध में काम करेंगे, तो फिर हम हानि में जाने के लिए बिल्कुल तैयार रहे। ऐसा नहीं हो सकता कि हम सिर्फ प्रभु के नाम ले रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो तुम मुझे प्रभु प्रभु क्यों कहते हो? सिर्फ प्रभु प्रभु कहने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ यीशु मसीह कहने से कुछ नहीं होगा। जब हम उनका कहना मानेंगे, तब हमारा जीवन फलवंत होगा, तब हम अपने जीवन में आशीषित होंगे। वरना हम भी आदम और हव्वा की तरह निकाले जाएंगे, वरना हम भी आदम और हव्वा की तरह हानि में चले जाएंगे। लेकिन अगर हम विश्वासी हैं, तो सबसे पहले परमेश्वर के वचन पे चलना सीखें, आदम और हव्वा की तरह ना बने, और भी दूसरे लोग जो हानि में गए उनकी तरह ना बने। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में प्रथम स्थान देंगे, तब हम आशीषित होंगे। क्योंकि आप गलत काम कर रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, आप गलत काम पीने के लिए अगर जा रहे हैं, तो प्रभु वहां प्रकट नहीं हो जाएंगे, अरे मेरे बेटे पीने मत जा, ये काम प्रभु नहीं करेंगे। वो देखेंगे, वो ये मेरा बेटा करता क्या है। आप जुआ खेलने के लिए ताश हाथ में रखेंगे, वो वहां पे प्रकट नहीं हो जाएंगे, मेरे बेटे तू जुआ मत खेल। आप व्यभिचार के जगह में जाएंगे, वहां पे प्रभु प्रकट नहीं हो जाएंगे, यीशु मसीह वहां पे नहीं आएंगे कि मेरे बेटे तू यहां से निकल। लेकिन वो आपके ऊपर सब चीज छोड़ देंगे, वो दिखाएंगे कि तू इस काम को मत करना, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है, और तू अगर इस काम को करेगा तो खुद ब खुद हानि में जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर सब कुछ देखते हैं, यीशु मसीह सब कुछ देखते हैं, और वॉच करते हैं कि ये करता क्या है। वो सब कुछ देख रहे हैं, आप क्या कदम उठा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आप किस काम को कर रहे हैं, आप क्या गलत काम कर रहे हैं, सब कुछ देखते हैं प्रभु। लेकिन उन्होंने क्योंकि चुनने का हमें अधिकार दिया, इसलिए वो बीच में इंटरप्ट नहीं करते, वो बीच में कुछ ऐसे कामों को नहीं करते, लेकिन वो चुनने का अधिकार दिया। तू खुद चुन, तू क्या चाहता है, हानि चाहता है या फिर लाभ चाहता है, जीवन चाहता है या मृत्यु चाहता है। उन्होंने चुनने का अधिकार हमें दिया, और ये चुनाव हमारा है। परमेश्वर के वचनों से हम सबों को बहुत आयत की आशीष मिले। आइए हम लोग जल्दी से प्रार्थना में जाएंगे। आपकी जो भी समस्या है वो प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख रखिए, यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेंगे। अभी पास्टर प्रार्थना करेंगे, तो आप उनके साथ दोहराइए। और जब आपके जीवन में यहां से काम होते, मैं फिर कह रहा हूं, गवाहियां जरूर से दीजिए। कई लोग विपत्तियों में फिर से जा रहे, क्योंकि वो गवाही को छुपा लिया, फिर से वापस वही बीमारियां उनके जीवन में आ गए। इसलिए गवाही मत छुपाइए। अभी पास्टर प्रार्थना करेंगे, मांगिए अपने लिए, यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेंगे। तब तक के लिए सबों को जय मसीह। आइए हम प्रार्थना में जाए। परमेश्वर के जीवित वचनों से आप सबों को बहुत आयत की आशीष मिले, और प्रभु के दास को अभिषेक मिले। और ये समय है, आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे। आप जहां से भी जुड़े हैं, ये समय है, अपने आंखों को बंद कर लेंगे। आप पहली दफा भी जुड़े हैं, अपने स्थान में स्थिर हो जाएंगे,
और ये समय है जब प्रभु आपकी सुधि ले, आपने प्रभु के वचनों को सुना है, आप प्रभु से मांगे, प्रभु जब हमने आपके वचनों को सुना है, आपके नियम को सुना है, इसे पालन करने में आप हमारी सहायता कीजिए, आप प्रभु की सहायता मांगे, वो परमेश्वर आपकी सुधि लेंगे और उन हर बातों से जो आपको हानि में ले जाती है आपकी सुरक्षा वो करेंगे। और ये समय है जब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी, आप प्रत्येक मेरे पीछे पीछे इस प्रार्थना को दोहराएंगे। आप जितने चाह रहे हैं कि आप यीशु मसीह के द्वारा चंगे हों, आप छुटकारे को प्राप्त करें, अपने तकलीफों से छुटकारा पाएं, अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करें, अपने जीवन में उन हर बातों से जो आपको परेशान करती है, उन बातों से यदि आप छुटकारा चाहते हैं तो मेरे पीछे पीछे आप इस प्रार्थना को दोहराएंगे। और जब तक अब प्रार्थना होगी, आंखों को बंद रखेंगे, कोई भी बातचीत नहीं करेंगे, अपने स्थान में स्थिर रहेंगे। मेरे पीछे पीछे प्रत्येक आप इस प्रार्थना को रिपीट करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पास आए हैं, हम आपके पास आए हैं, हम पर दया कीजिए, हम पर दया कीजिए, हम पर अनुग्रह कीजिए, हम पर अनुग्रह कीजिए, अपने पवित्र लहू के द्वारा, अपने पवित्र लहू के द्वारा हमें धोकर, हमें धोकर शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए, हमारे जीवन से, हमारे जीवन से हर रोग को, हर एक रोगों को आप चंगा कीजिए, आप चंगा कीजिए, हर श्रापों को, हर श्रापों को आप मिटा दीजिए, मिटा दीजिए। यीशु मसीह, यीशु मसीह, हम पर दया कीजिए, हम पर दया कीजिए, और हमारे हर एक दुर्बलताओं से, और हमारे हर एक दुर्बलताओं से हमें छुटकारा दीजिए, छुटकारा दीजिए। यीशु मसीह, यीशु मसीह, हमने आपके नाम पर, हमने आपके नाम पर विश्वास किया है, विश्वास किया है, हम सबों को, हम सबों को अपने संतान होने का, अपने संतान होने का अधिकार दीजिए, अधिकार दीजिए। हम सबों के नाम, हम सबों के नाम जीवन के पुस्तक में, जीवन के पुस्तक में आप लिख दीजिए, आप लिख दीजिए। यीशु मसीह, यीशु मसीह, हमारे जीवन से, हमारे जीवन से सारे दुखों को, सारे दुखों को आप दूर कीजिए, आप दूर कीजिए, आशीषित कीजिए, आशीषित कीजिए। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, प्रार्थना मांगते हैं। दया से सुनिए, दया से सुनिए, और ग्रहण कीजिए, और ग्रहण कीजिए। आमेन, आमेन। आंखों को बंद ही रखेंगे और ये समय है जब आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगी, और आपके जो भी तकलीफ है, जो भी समस्या है, जो भी रोग है, या जो भी प्रभु यीशु मसीह से आप प्राप्त करना चाहते हैं, हर बातों को आप अपने मन में रखेंगे, आंखों को बंद ही रखेंगे, स्थान में स्थिर रहेंगे, और अपने मन में सारे बातों को, जो भी आप तकलीफ में हैं, यदि आपके शरीर में तकलीफ है, आप सारे तकलीफों को यीशु मसीह के सम्मुख रखें। यदि आप पढ़ने वाले हैं, आप अपने पढ़ाई के लिए आशीष मांगेंगे। यदि आप कामकाजी लोग हैं, अपने कामों में यीशु मसीह की सहायता को मांगे। और इसी रीति से आपके जितने भी जरूरत हैं, आप पॉइंट वाइज अपने मन में यीशु मसीह के सम्मुख रखें। और जब प्रार्थना का अंत होगा, मैं आमीन कहूंगी, आप भी अपने स्थान में आमीन जरूर बोलेंगे, ताकि प्रभु आपके पुकार को सुने और आपको आशीषित करे। आप ये भी मांगे कि प्रभु हमें आशीषित कीजिए, आप प्रभु यीशु मसीह के नाम लेकर मांगे कि प्रभु यीशु मसीह आप हमें इन सारे रोग से छुटकारा दीजिए, इन सारे तकलीफ से छुटकारा दीजिए। और आप मांगे प्रभु से कि जब हम चंगे हो जाएंगे, जब हमारे जीवन में प्रभु इस आराधना में जुड़ने के द्वारा काम होगा, तो हम अपनी गवाहियों को जरूर टाइप करेंगे। आप प्रभु से मांगे, वो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। जब तक प्रार्थना होगी, आप बिल्कुल अपने स्थान में स्थिर रहेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, इस घड़ी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके अनुग्रह के लिए, धन्यवाद करते हैं आपकी करुणा के लिए जो आपके लोगों पर आपने किए हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, और हम धन्यवाद करते हैं आपके जीवित वचनों के लिए, क्योंकि प्रभु आपने अपने लोगों तक अपने इच्छा को रख दिया है। प्रभु आपने अपने लोगों से अपने वचन के द्वारा बातचीत किया है, और कई एक ने प्रभु अपने मन में प्रभु आपके अनुग्रह को मांगा है, जो प्रभु अपने जीवन में निर्बल हो जाते हैं, बहुत सारी बातों में वे चूक जाते हैं, प्रभु आपके आज्ञा आपके नियम को तोड़ देते हैं। प्रभु आप उनकी सुधि लीजिए। इस घड़ी यीशु अपने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रत्येक को दृढ़ कीजिए,
कि जो प्रभु उनके जीवन में हानि है उन बातों से बचने पाए, और प्रभु यीशु मसीह वे हानि की नहीं वरन प्रभु आशीषों के हकदार होने पाए, प्रभु उनके जीवन में ये वचन काम करने पाए। इस तरह मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह, जब लोगों ने आपके सम्मुख अपने निवेदनों को रखा है, अपने सारे तकलीफों को अपने मन में आपके सम्मुख रखा है, प्रभु यीशु मसीह आप इनकी सुधि लीजिए, अपना छिदा हाथ इन पर बढ़ा दीजिए, और तमाम जितने भी शरीर की दुर्बलताएं हैं यीशु के नाम से वो दूर होने पाए। जितने भी शरीर के दर्द हैं, जितने भी शरीर की कमजोरियां हैं, दुर्बलताएं हैं, यीशु के नाम से दूर होने पाए। दुष्ट आत्मा के काम यीशु नाम से विफल होने पाए। अंधकार की युक्तियों को, अंधकार की शक्तियों को, हर एक तंत्र मंत्र जादू टोने बांध को यीशु के नाम से अधलोक में डालते हैं। इन प्रत्येक को प्रभु इस घड़ी स्वतंत्र कीजिए, कोई भी शैतानिक युक्ति इन पर प्रबल होने ना पाए, कोई भी तरह के अंधकार के काम इन पर चलने ना पाए, कोई भी मनुष्य की बुरी युक्ति इन्हें प्रभु हानि में डालने ना पाए, परंतु जितने आपके नाम पर विश्वास कर रहे हैं यीशु मसीह उनकी सुधि लीजिए। इस घड़ी जितने आपको पुकार रहे हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी आप उन्हें छू लीजिए, चाहे वे नए हो पुराने हो बड़े हैं छोटे हैं, प्रभु हर एक को छू लीजिए यीशु, उनके जीवन को उनके भविष्य को आशीषित कीजिए। इस घड़ी यीशु आप अपने लहू का छाप इन पर लगा दीजिए, हर एक तरह के सर के दर्द, जितने भी सर के तकलीफ और सर के हर एक तरह के इन्फेक्शंस यीशु नाम से दूर होने पाए, न्यूरो के जितने भी तकलीफ है शरीर में यीशु नाम से दूर होने पाए, जितने भी आंखों के दर्द कानों के दर्द हैं यीशु के नाम से दूर होने पाए, इनके प्रभु आंखों को छू लीजिए चंगा कीजिए, इनके कानों को छू लीजिए चंगा कीजिए, और यीशु आपके लहू के द्वारा ये स्वतंत्र हो जाए। हर एक तरह के थ्रोट इन्फेक्शंस, गले के दर्द, गले के सूजन और टॉन्सिल्स के जितने भी इन्फेक्शंस हैं यीशु नाम से दूर होने पाए, हर एक तरह के चेस्ट इन्फेक्शंस, लंग्स इन्फेक्शंस यीशु नाम से दूर होने पाए, हर एक तरह के मुंह के जितने भी इन्फेक्शंस हैं, मुंह के छाले घाव जो चंगे नहीं हो रहे यीशु के नाम से इसी घड़ी ठीक होने पाए, यीशु के नाम से हर एक तरह के पायरिया के बुरे लक्षण इसी घड़ी दूर होने पाए, यीशु नाम के द्वारा प्रभु ये स्वस्थ हो जाए, हर एक तरह के हार्ट डिजीज यीशु नाम से दूर होने पाए, हार्ट ब्लॉकेज यीशु नाम से दूर होने पाए, यीशु मसीह नासरी आप इन पर अनुग्रह कीजिए, जो तकलीफ में है बीमारी के बिस्तर में पड़े हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी आप इन्हें छुटकारा दीजिए, हर एक तरह के जितने भी लंग्स के जुड़े हुए जितने भी तकलीफ हैं, दमा के तकलीफ यीशु नाम से दूर होने पाए, अस्थमा के अटैक्स यीशु नाम से दूर होने पाए, हर एक तरह के पेट के बीमारी रोग यीशु नाम से दूर होने पाए, और पेट संबंधित जितने भी तकलीफ हैं, दर्द है, सूजन है यीशु के नाम से दूर होने पाए, हर एक तरह के गैस्ट्रिक के तकलीफ यीशु नाम से दूर होने पाए, पेट के गोले, हर एक तरह के सूजन यीशु नाम से दूर होने पाए, नाभि से जुड़े हुए जितने भी तकलीफ है, दर्द है, गांठें हैं यीशु नाम से वो दूर होने पाए, हर एक तरह के पेट के घाव जो सूख नहीं रहे हैं यीशु नाम से वो चंगे हो जाए, पैनक्रियास के हर एक तरह के स्वेलिंग यीशु नाम से चंगे हो जाए, हर एक तरह के सिस्ट, हर एक तरह के फाइब्रॉइड्स यीशु नाम से चंगे हो जाए, प्रभु इनके यूट्रस को छू लीजिए यीशु नाम के द्वारा, जितने भी यूट्रस के तकलीफ है, दर्द है, सूजन है, इन्फेक्शंस है यीशु नाम से वो दूर होने पाए, प्रभु इनके यूट्रस को नया बना दीजिए, हर एक दर्द इसी घड़ी से दूर होने पाए, हर एक तरह के बीमारी यीशु नाम से दूर होने पाए, हर एक तरह के ब्लॉकेज यीशु नाम से दूर होने पाए,
मान परमेश्वर आपके सामर्थ को ये महसूस करने पाए। यीशु नाम के द्वारा इनकी किडनी, इनके लिवर को छू लीजिए और जितने भी किडनियों की दुर्बलताएं हैं, बीमारियां हैं, यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के लिवर से जुड़े हुए बीमारियां यीशु नाम से दूर होने पाए। फैटी लिवर की दुर्बलता यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के हेपेटाइटिस बी के रोगी यीशु नाम से चंगे होने पाए। हर एक तरह के जॉन्डिस के बुरे लक्षण यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के क्रिएटिनिन जो बढ़े हुए हैं यीशु नाम से वो भी नॉर्मल होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, हर तरह के स्टोन के दर्द को आप चंगाई दीजिए। इस घड़ी हर एक तरह के गॉल ब्लैडर्स के तकलीफ यीशु नाम से दूर होने पाए। यीशु आप सुधी लीजिए और छुटकारा दीजिए। जितने भी पाइल्स के बुरे लक्षण है शरीर में यीशु नाम से दूर होने पाए। खूनी बवासीर के तकलीफ यीशु के नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के पेट के अल्सर यीशु नाम से दूर होने पाए। मान परमेश्वर आप लोगों को छुटकारा दीजिए और शरीर के जो भी टीबी के बुरे लक्षण है यीशु नाम से वो दूर होने पाए। टीबी के जितने भी तकलीफ शरीर में है यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक कैंसर और एड्स की बीमारी यीशु के नाम से दूर होने पाए। टीबी की बीमारी यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक कमजोरी यीशु नाम से दूर होने पाए। प्रभु अपने चंगा करने वाले हाथ को इन पर बढ़ा दीजिए। इनके रिपोर्ट्स को आप नॉर्मल कीजिए और शरीर में जो भी कमी है अपने लहू के द्वारा उसे पूरी कीजिए। हर एक तरह के जितने भी बीपी के पेशेंट्स हैं प्रभु इनके ब्लड प्रेशर को आप नॉर्मल कीजिए और सारे बीपी से जुड़े हुए जितने भी तकलीफ है यीशु नाम से दूर होने पाए। यीशु नाम के द्वारा हर एक शुगर पेशेंट्स चंगे होने पाए। यीशु नाम से इनके शुगर लेवल नॉर्मल होने पाए और मांगते हैं प्रभु आपके लहू के द्वारा ये रिकवर करने पाए। हर एक तरह के थायराइड के बुरे लक्षण यीशु नाम से दूर होने पाए। जितने भी थायराइड जो बढ़ गए हैं यीशु नाम से वो नॉर्मल होने पाए। यीशु नाम के द्वारा ये चंगे हो जाए। हर एक तरह के और भी जितने भी प्रभु ब्लड की कमी है यीशु नाम से वो दूर होने पाए। हेमोग्लोबिन की कमी यीशु नाम से दूर होने पाए। मान परमेश्वर जिन्हें हर महीने खून चढ़ाना पड़ता है प्रभु आप उनकी सुधि लीजिए। यीशु आप इनके शरीर को चंगा कीजिए। यीशु नाम के द्वारा हर एक थैलेसीमिया के पेशेंट्स चंगे हो जाएं। सिकल सेल की बीमारी यीशु नाम से दूर होने पाए। मान परमेश्वर मांगते हैं यीशु इनके शरीर के सारे कमजोरियों को दूर कीजिए, दुर्बलताओं से छुटकारा दीजिए। हर एक दर्द, हर एक तरह के जितने भी जॉइंट्स पेन है यीशु नाम से दूर होने पाए। हड्डियों के दर्द, तकलीफ, मांसपेशियों के दर्द और तकलीफ यीशु नाम से दूर होने पाए। मान परमेश्वर आप इन्हें छुटकारा दीजिए। अर्थराइटिस के पेशेंट्स यीशु नाम से चंगे होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के हर एक दर्द से इन्हें छुटकारा दीजिए। जितने भी सूजन है यीशु नाम से वो नॉर्मल होने पाए। इस घड़ी मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह उन तमाम बीमारियों को चंगा कीजिए जो प्रभु मेडिसिन से नहीं ठीक हो रहे हैं। यीशु आप इन्हें स्वतंत्र कीजिए। हर एक तरह के जितने भी मिर्गी के अटैक्स हैं यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के जितने भी पागलपन के अटैक्स हैं, मेंटल सिकनेस यीशु के नाम से दूर होने पाए। प्रभु इनके मानसिक स्थिति को पूरी तरीके से नॉर्मल कीजिए। प्रभु यीशु मसीह ये बिल्कुल नॉर्मल तरीके से अपने जीवन में चलने पाए और यीशु इनके चंगाई को देखकर भी कई एक आपके सामर्थ को पहचानने पाए। यीशु मसीह नासरी इस घड़ी मांगते हैं प्रभु जो भी पैरालिसिस पेशेंट्स हैं प्रभु उन्हें आप छू लीजिए। अपना छिदा हाथ बढ़ा दीजिए। हर एक तरह के लकवे के जितने भी बुरे प्रभु इनके शरीर में लक्षण हैं यीशु नाम से वो दूर होने पाए। इनके हाथों को छू लीजिए, इनके पैरों को छू लीजिए और यीशु इनके चेहरों को छू लीजिए। जो चल फिर नहीं सकते उन्हें चंगा कीजिए प्रभु। और भी कारणों से जो बिस्तरों में पड़े हैं प्रभु यीशु नाम से वो इस घड़ी स्वतंत्र होने पाए। जो चल फिर नहीं सक रहे प्रभु आप उनकी सुधि लीजिए। यीशु नाम के द्वारा वे चलने फिरने पाए। हर एक कमजोरी शरीर के दूर होने पाए, दुर्बलताएं दूर होने पाए। हर एक तरह के जो प्रभु इस घड़ी हॉस्पिटल्स में पड़े पेशेंट्स हैं
प्रभु यीशु मसीह नासरी जो कोमा में है, आईसीयू में पड़े हैं, आप उनकी भी सुधि लीजिए। प्रभु यीशु मसीह नासरी उनके रिपोर्ट्स को नॉर्मल कीजिए, जीवन दान दीजिए कि वे प्रभु यीशु आपके प्रेम के स्वाद को चखने पाए। यीशु मसीह नासरी इस घड़ी हम मांग रहे हैं उन तमाम बीमारियों के लिए जो लोगों ने अपने मन में आपके सम्मुख रखे हैं, सबों को आप चंगा कीजिए, छुटकारा दीजिए। स्किन डिजीज यीशु नाम से दूर होने पाए, हर एक तरह के चर्म रोग यीशु नाम से चंगे हो जाए। मान परमेश्वर मांगते हैं हर कोढ़ियों को आप चंगा कीजिए, गैंग्रीन के बुरे लक्षण यीशु नाम से दूर होने पाए, हर एक फोड़े और फुंसियां यीशु नाम से रिकवर करने पाए, बेड सोर यीशु नाम से चंगे हो जाए। मान परमेश्वर आपने लोगों की सुधि लिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस घड़ी बहुत सारी बहनें हैं जो प्रभु संतान की आशीष मांग रही हैं, आप सबों पर छिदा हाथ बढ़ा दीजिए। यीशु आपका वचन कहता है आप मुंह के फल के सृजनहार परमेश्वर हैं। मेरे यीशु इस घड़ी उन बहनों को छू लीजिए, आशीषित कीजिए, यीशु नाम से वे कंसीव करने पाए। मान परमेश्वर संतान की आशीष मांग रही हैं, प्रभु स्वस्थ संतान की आशीष दीजिए, पूरे 9 महीने सुरक्षा दीजिए और समय से बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा कीजिए। प्रभु आपका वचन कहता आप गर्भ का फल को देने वाले परमेश्वर है, गर्भ का फल आपकी ओर से प्रतिफल है। प्रभु इस प्रतिफल को आपने बहनों को दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं, और आनंदित माता आपने बनाया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस घड़ी मांगते हैं प्रभु जिनके विवाह रुके हुए हैं कई कारणों से, प्रभु उन हरेक बंधनों को तोड़ दीजिए, रुकावटों को दूर कीजिए और यीशु अच्छे जीवन साथी को दीजिए, जैसी आपकी इच्छा प्रभु लोग आशीषित होने पाए। मान परमेश्वर कई बेरोजगार है जो प्रभु आपके सम्मुख रोजगार को मांग रहे हैं, आप उनकी सहायता कीजिए, बेरोजगारी को दूर कीजिए। प्रभु यीशु मसीह समय से नौकरी दीजिए, बिजनेस दीजिए, जिन भी कार्यों में हाथ लगाते हैं वो कार्य सफल होने पाए। प्रभु पढ़ने वालों को ज्ञान बुद्धि दीजिए, और भी लोग प्रभु जो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार आपसे मांग रहे हैं, जो केस मुकदमों में उलझे हैं, प्रभु आप उनकी सुधि लीजिए, आशीषित कीजिए, और प्रभु यीशु मसीह इन केस मुकदमों से इन्हें बाहर निकालिए। यीशु मसीह नासरी जो कमी में है, कर्जों में है, उन्हें छुटकारा दीजिए। जो प्रभु अपने जीवन के लिए चिंतित है आप उनके लिए उपाय कीजिए। प्रभु यीशु मसीह बुरे लत से छुटकारा दीजिए, बुरे संगति से छुटकारा दीजिए, हर एक नशा पान के गंदे लत यीशु नाम से दूर होने पाए, लड़ाई और झगड़े यीशु नाम से दूर होने पाए। प्रभु हम मांग रहे इस घड़ी उन हर एक के लिए जो प्रभु अपने घर में स्थिर नहीं रहते हैं, आप उन्हें स्थिरता दीजिए। आप अच्छे परमेश्वर है, आप चाहते हैं हम अच्छे जीवन को प्राप्त करें। यीशु जिन घरों में आराधना चलाई जाती है उन घर में आपकी शांति होने पाए, आनंद और मेल मिलाप होने पाए। मान परमेश्वर आने वाले समय में बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ लोग खड़े होने पाए, जो अब तक अपनी गवाहियों को नहीं टाइप किए हैं, पवित्र आत्मा आप उनकी सहायता कीजिए। कठोर हृदय को प्रभु आप बदल डालिए, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु आप उनकी अगुवाई कीजिए ताकि वे और अधिक आशीषित होने पाए अपनी गवाहियों को टाइप करने के द्वारा। मेरे महान परमेश्वर इस मिनिस्ट्री को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे चर्च ऑफ फेथ के लोगों ने, अन्य लोगों ने अपने भेंटों को आपके सम्मुख रखा, अपने दशवांश को आपके सम्मुख रखा है। मेरे यीशु मसीह नासरी उन भेंटों को और प्रभु हर एक जो भी दशवांश उन्होंने अपने कमाई के 10वें भाग को रखा है, प्रभु उन्हें आप ग्रहण कीजिए और उनका बड़ा प्रतिफल उनके जीवन में होने पाए, उनके बाल बच्चों पर आपकी आशीष ठहरने पाए, प्रभु उनके काम पर बरकत होने पाए, उनके घरों में सुख और शांति होने पाए, और प्रभु यीशु मसीह जितना उन्होंने निकाला है उसका 1000 गुना उन्हें फेर दीजिए, उनके हाथ, उनके पर्स, उनकी मुट्ठियां कभी खाली होने ना पाए, उत्तम पदार्थों से तृप्त कीजिए। मेरे यीशु मसीह नासरी इस घड़ी हमारे जितने लोग जो इस घड़ी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बाद में भी इस आराधना के रिकॉर्डिंग्स को सुनते हैं, प्रभु आपकी शांति को प्राप्त करें। मान परमेश्वर जिस गरीब भी लोग समस्या में रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं, और जब ये आराधना को खोलते हैं, सुनते हैं, प्रभु सुनते सुनते ही वे आपके आशीष को, आपकी चंगाई को प्राप्त करने पाए, अपने दुर्बलताओं से छुटकारे को प्राप्त करने पाए। मान परमेश्वर इस समय फिर से हर बातों को आपके अधीनता में हम सौंपते हैं, हम दोनों को, हमारी सेवा को, हमारी मिनिस्ट्री को, और हमारे चर्च ऑफ फेथ के एक एक मेंबर्स को, हमारे प्रभु पेज के मेंबर्स को आपके हाथों में सौंप इस प्रार्थना को यीशु नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। हम सब प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो।
हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया और हम परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा क्योंकि राज्य सामर्थ और महिमा युगानुग तेरी है आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट का अनुग्रह पिता का प्रेम पवित्र आत्मा की सहभागिता सबके संग सर्वदा होती रहे आमीन। सबों को जय मसीह की। ठीक है, हम लोग विदा होंगे और जितने लोग आप लोग हैं जिनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह काम करते हैं अपनी गवाहियां आप जरूर से दे, बार बार हम लोग बोल रहे हैं अपनी गवाहियां जरूर से दे ताकि फिर आपको प्रभु की जब जरूरत हो यीशु मसीह आपके लिए काम करे। दूसरी बात है जो लोग हम अपने लिए विशेष प्रार्थना कराना चाहते हैं आप 4 लाइव सभा अटेंड कीजिए पहले, 4 जब लाइव सभा अटेंड कर लेते हैं जो हर एक मंगलवार रविवार शाम 7 बजे से चलाई जाती है, 4 लाइव सभा अटेंड करने के बाद आप हमें फोन कर सकते हैं। फोन करने का समय दिन के 12 बजे से रात के 8 बजे तक है। हमारा फोन नंबर आपको यहाँ पे जो व्हाट्सएप नंबर है वही हमारा फोन नंबर है वो आपको मिल जाएगा। यीशु मसीह आपको आशीष दे। तीसरी बात है आप अब हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपने निवेदन हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, टाइप करके व्हाट्सएप कीजिए ताकि पढ़ने में सुविधा हो। और हमारा यूट्यूब चैनल है रोहिणी थापा के नाम से, आप उसको जरूर से सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि कई गीत है और गीतों की भी गवाही है कि लोग गीतों को सुनते सुनते लोग चंगे हो जा रहे हैं। तो यीशु मसीह आप सबों के जीवन में काम करे, इस सभा को जरूर से शेयर कीजिए, यीशु मसीह आप सबों को आशीष देंगे। और अपने गवाहियों को कैसे लिखना है, ये सभा जब समाप्त हो जाएगी फिर से खोलिए और अपनी गवाही को अच्छे ढंग से लिख कर डालिए ताकि दूसरे पढ़े आपकी गवाही से वो आशीषित हों, यीशु मसीह आपको आशीष दे। फिर से हम लोग मंगलवार शाम 7 बजे ट्यूसडे शाम 7 बजे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए सबों को जय मसीह की।